दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। पुलवामा एनकाउंटर, जैश के दो आतंकी ढेर, चार जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो मारे गए आतंकी में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद शामिल है। गोलीबारी में सेना के चार जवान भी शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर जिले के पिंगलीना इलाके में हो रही है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पिछले गुरुवार से लेकर अब तक सेना के 45 जवान शहीद हो चुके हैं। सेना ने शोपिया के एक कारोहोरा इलाके को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। खबर है कि पुलवामा के पिंगलीना में जैश के कमांडर मारे गए हैं। मारे गए आतंकी गाजी रशीद उर्फ कामरान हमले का मास्टरमाइंड था। जारी एनकाउंटर में मेजर सहित चार जवान शहीद हुए हैं। एक जवान के घायल होने की खबर भी आ रही है। सूत्रों की माने तो पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद उर्फ कामरान मारा गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देर रात को इस ऑपरेशन को CRPF और SOG के जवानों ने मिलकर चलाया। पुलिस ने कहा जम्मू शहर में 15 फरवरी को लगा कर्फ्यू आज भी जारी रहेगा। प्रशासन की शाम तक कर्फ्यू में ढील देने पर फैसला लेने की संभावना है। पुलवामा आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शरारती तत्वों द्वारा कश्मीर घाटी के नंबर प्लेट वाले कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिए जाने और अन्य को क्षतिग्रस्त करने के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को शुरू किया। जो जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं, उनमें मेजर DS डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेवाराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरी सिंह शामिल है। दूसरी तरफ घायल जवान गुलजार मोहम्मद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि 2 से 3 आतंकियों को सेना ने घेर रखा है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं रद्द कर दी गई है। यह मुठभेड़ आज तड़के 1 बजे शुरू हुई। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में CRPF और SOG पुलवामा शामिल है। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी मिलना अभी बाकी है। आपको बता दें कि पुलवामा में ही गुरुवार को CRPF के एक काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में अर्धसैनिक बल से कम 40 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।